सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। घड़ी में बज चुके हैं 7 और आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बोगनविलिया के प्लांट पर। उससे पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट संडे को आने वाली कुछ ये वीडियो हैं, तो आप देख लीजिए। स्टार्टिंग के तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले संडे को नई नई वीडियो आने वाली है। नर्सरी पे कौन से प्लांट सर्दियों के आने वाले हैं, कौन गुलाब आने वाले हैं, और तरह तरह के गमले और फर्टिलाइज़र हम सारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाले हैं। तो जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई नर्सरी की अपडेट मिलती रहे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बोगनविलिया के प्लांट पर। अगर आपने अपने टेरेस गार्डन पर बोगनविलिया का प्लांट लगा रखा, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप थक गए हैं उसकी फ्लावरिंग ना होने से, तो आप ये वीडियो देख के अपने बोगनविलिया के प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलते अपने प्लांट के तरफ और वहीं पे आपको सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे है बोगनविलिया का प्लांट। तो सबसे पहली बात तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि हमारे हर प्लांट को जो कि सनलाइट चाहिए होती है। जितने फ्लावरिंग प्लांट है अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से वो फ्लावरिंग करेंगे। तो आपको अपने प्लांट को फ्लावरिंग के लिए धूप देना ज़रूरी है। तो आप अपना प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ उसे दिन की अच्छी खासी धूप मिल सके, तो आपके प्लांट में एक अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अगर आप ऐसी जगह नहीं आपको मिल रही है तो भी आपको कम से कम प्लांट को 3 घंटे या से 4 घंटे की धूप जरूर दें ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। दूसरी बात आ जाते हैं कि अगर आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लांट सिर्फ ग्रो होता है, बढ़ेगा आगे पर फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो बोगनविलिया का प्लांट एक ऐसा है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप रोडों के किनारे देख सकते हैं कि इनमें कोई पानी नहीं डालता है इनको, और वो अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपने अपने टेरेस गार्डन पे बोगनविलिया का प्लांट लगा रखा है तो आप उसे कम पानी दें। कम पानी का मतलब ये नहीं कि आप उसे पानी देने ही बंद कर दें, आप उसे पानी जब दें जब उसकी मिट्टी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तब उसे नेक्स्ट टाइम पानी दें। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि DAP आपको मार्केट में मिल जाएगी, डाई अमोनियम फास्फेट, वो आप ले आ सकते हैं। उसके कुछ दाने, अगर आपका 10 इंच का गमले तो आप 10 दाने उसमें डालिए और उसको हफ्ते भर के लिए छोड़ दिए। ऐसा करके आप 2 से 3 हफ्ते ये काम रिपीट कर सकते हैं, देखेंगे आपके बोगनविलिया के प्लांट में एकदम बूस्ट हो जाएगा और उस पर नई नई फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगर कई लोग कहते हैं कि हम ये सारे काम कर रहे हैं फिर भी हमारा बोगनविलिया का प्लांट है जो कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो उसका मेन कारण ये हो सकता है आपने बहुत सालों से अपने गमले को जो है कि रिपोर्ट नहीं किया है। दोस्तों गमले के अंदर जो जड़ें होती हैं वो बाउंड हो जाती हैं, तो उस कारण हमारा प्लांट जो है कि फ्लावरिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो नीचे है कि काफ़ी बाउंड हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं। तो आप क्या कीजिए कि अपने गमले को साइड साइड से मिट्टी निकाल के और उसका रूट बॉल पूरा बाहर निकालें और उसकी छटाई कर दें जड़ों की। उसके बाद आप फिर अच्छे से उसमें खाद डाल के, गोबर खाद हो या आपके पास बर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद डाल के उस गमले में उस प्लांट को दोबारा लगा दें। और ये काम आपको शाम के समय करना और अपने प्लांट को 1 से 2 दिन छाए में रखना है, ये धूप में ना रखें ऐसा करके। उसके बाद आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में ला सकते हैं, कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि प्लांट पे नई ग्रोथ चालू हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपका प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर चुका है उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये फ्लावरिंग कब करेगा, तो उसके लिए आप अपने प्लांट की एक बार कटाई कर दीजिए अच्छे से, उसकी जहाँ पे नए फ्लावर थे वहाँ पे उसको कटिंग कर दीजिए, तो उसकी नई ग्रोथ निकलेगी, तो नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होएगी। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट भी फुल सनलाइट में है और अच्छे से ग्रो हो रहा है। दूसरी बात, आप नर्सरी से अगर प्लांट लेने जा रहे हैं तो आप प्लांट देख के लीजिए, देखिए मेरा प्लांट कितना पुराना प्लांट है, तो आप देख के इसकी जो स्टेम है, जो जड़ है, वो आप देख के लीजिए। प्लांट आपका जितना पुराना प्लांट होगा वो फ्लावरिंग उतने ही से अच्छे टाइम पर करेगा फ्लावरिंग। तो आप देख सकते हैं, आप एकदम पतला प्लांट ना लें नर्सरी से,
जो कि एक दो फ्लावरिंग उस पर रहेगी, तो वो प्लांट अपने आप को ग्रो पहले करेगा, उसके बाद ही फ्लावरिंग करेगा। तो मेरे जो प्लांट है ये 2-3 साल पुराने प्लांट हो चुके हैं। मैं नर्सरी से लाया था, तो काफ़ी मैं बड़े प्लांट लेकर आया था। मैं नर्सरी पर जब भी जाता हूँ तो बड़े प्लांट ही ख़रीदता हूँ, क्योंकि दोस्तों बड़े जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी टाइम से लगे हुए वहाँ रहते हैं, तो जब उनको हम लेकर आते हैं तो वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं और अच्छे से उनकी जड़ें भी बनी रहती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।